छह दिन से हम वहाँ पर बैठे हैं, क्यों हमें कोई सुनने वाला नहीं हुआ। आज हम यहाँ पर बैठे इसलिए, ये चार रोड हमने बंद किए हैं, इसलिए जो है हमारे पास लोग मिलने आ रहे हैं। अगर हम ये जगह छोड़ेंगे, जिस तरह जो है तीन हुकूमतों ने वादे किए फिर अपने वादों से मुकर गए, इसी तरह ये भी भूल जाएंगे। अगर वजीर आजम हमारे साथ मुलाकात नहीं करेंगे, हम इसके बाद किसी मिनिस्ट्री से हम लोग मुलाकात नहीं करेंगे। हमारे मिनिस्टर डी ए से मिलकर आए थे, लॉ मिनिस्टर भी आपसे मिलेंगे, आपकी जो डिमांड है वो आप उनसे जिक्र कर सकती हैं, वो आपकी डिमांड आपकी बता सकते हैं। पीएम साहब से मुलाकात की कमिटमेंट तो नहीं कर सकते, वो हो सकता है करते हैं, मैं इस बारे में मुलाकात तो करेंगे लेकिन हमारा धरना खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। हमारा धरना यहाँ पर जारी रहेगा, जिसको कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें उठाए और जो इंतजामिया करने आएगा वो करे। ये जो मेरे गुल मरी लिखे हुए हैं, ये मेरे मामू हैं, 18 स्केल के एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। 14 सितंबर 2015 को उनको रात के 2 बजे घर से उठा के ले गए थे आपके हुकूमती इदारे सर। पीटीआई इमरान खान साहब से हमारी तवक्कुआत ये, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीटों में, अपने इलेक्शन के वक्त में, अपने जो है ना टाइम में ये वादे किए थे कि हम जो है ना पाकिस्तान के मसले करेंगे। मिसिंग पर्सन का वादा उन्होंने खुद किया था कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल वज़ीर, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, औरतें और यहां पे लोग आए हैं। उनके लवाहकीन मिसिंग पर्सन में दाखिल हो गए, यानी गायब हो गए हैं, मिस हो गए हैं। इनके लिए वो यहाँ पर एहतजाज के तौर पर डी चौक पर मौजूद है और यहाँ पर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये मौजूद हैं, रात को और दिन को ये यहाँ पे बैठे रहते हैं और रात को सर्दी में वक्त टाइम अपना टाइम गुजारते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद है और इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्या चाहते हैं, ये रियासत से क्या चाहते हैं, हुकूमती इदारों से क्या चाहते हैं, इन पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जो फीमेल्स हैं उनसे बात करेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं, किन मसाइल की बिना पर इतने दूर का सफ़र करके ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और इनको हुकूमत की तरफ से क्या इनके कुछ बात हुई है, हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, इनके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई तसल्ली बख्श इनको जवाब मिला है नहीं मिला है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि कितने वक्त से ये लोग मिसिंग हैं, कितना अरसा गुजर गया है कि ये लोग लापता हैं और इनकी कास्ट क्या है, कितनी उम्र है इनकी, इनका कोई अता पता है। और ये जब मुतल्लिका लोगों से मिलते हैं वहाँ पे मकामी डीसीज वगैरह से और जो इदारों के लोग हैं उनसे मिलते हैं, वो उनको क्या बात करते हैं, वो क्यों मजबूर हुए कि इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर बैठे हैं और अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, किस बात ने इनको मजबूर किया कि बलूचिस्तान से आकर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर रात भी गुजारते हैं, दिन को भी बैठे रहते हैं, और इनके जो है ना क्या मसाइल थे कि वो यहाँ पर आए हैं, इन पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। मिनिस्टर डी ए से मिलकर आए थे, लॉ मिनिस्टर भी आपसे मिलेंगे, आपकी जो डिमांड है वो आप उनसे जिक्र कर सकती हैं, वो आपकी डिमांड आपकी बता सकते हैं। पीएम साहब से मुलाकात की कमिटमेंट तो नहीं कर सकते, वो हो सकता है करते हैं, मैं इस बारे में मुलाकात तो करेंगे लेकिन हमारा धरना खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है लेकिन हमारा मकसद आपका मसला हल कराना, आपका जो बैठना है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम बाद में। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर अभी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे मिल लेते हैं, जो भी आपकी डिमांड है, जो मामला हैं, तो लॉ मिनिस्टर अपने जो कानून के हवाले से उनके डायरेक्शन में उसको कॉल करें, लेकिन हमारा धरना ही वो एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उन्होंने आखिर में कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो अगर वो हमारे साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कैसे यहाँ से उठ सकते हैं। वो वजीर दाखिला है, अगर वो कमिटमेंट नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे हमारे साथ। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो हमारे साथ कमिटमेंट करते तो हम यहाँ से चले जाते। अब हम वहाँ पर जाएंगे, 6 दिन से हम वहाँ पर बैठे हैं, क्यों हमें कोई सुनने वाला नहीं हुआ। आज हम यहाँ पर बैठे इसलिए, ये चार रोड हमने बंद किए हैं, इसलिए जो है हमारे पास लोग मिलने आ रहे हैं। वहाँ पर हम नहीं सुनाई दे रहे थे, यहाँ से हम कितने जो है किलोमीटर का फासला है, हम वहाँ पर बैठे थे, किसी को हमने सुनाई दिया नहीं ना। बात यही है कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं इसलिए, अगर हम ये जगह छोड़ेंगे, जिस तरह जो है तीन हुकूमतों ने वादे किए फिर अपने वादों से मुकर गए, इसी तरह ये भी भूल जाएंगे।
को समझाने की कोशिश की है कि हम धरना यहाँ से ख़त्म करके प्रेस क्लब जाएंगे, लेकिन हम मजबूर है कि हम मैं ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह हूँ एज़ फार बलोच मिसिंग पर्सन का, ठीक है। मैं पाबंद हूँ, मेरे साथ जितने भी लवाइकिन आए हुए हैं मैं उनके साथ पाबंद हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका डिमांड ये है कि हमें फौरी तौर पर वज़ीर आज़म से मुलाकात कराया जाए। अगर वज़ीर आज़म हमारे साथ मुलाकात नहीं करेंगे, हम इसके बाद किसी मिनिस्ट्री से हम लोग मुलाकात नहीं करेंगे, हमारा धरना यहाँ पर जारी रहेगा। जिसको कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें उठाए और जो इंतज़ामिया हरकत में आएगा वो करे। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म को इस रियासत का आइनी सरबराह होने का सबूत देना चाहिए था। हम बलूचिस्तान से आई हुई है, वो आके हमारे साथ बैठते, हमारे साथ मीटिंग करते, हमें यकीन दहानी करते, हम जाते। तो ये लवाइकिन का फैसला है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं किसी मिनिस्ट्री से हम लोग मुलाकात करेंगे और हम यहाँ पे धरना देंगे। वज़ीर दाखिला साहब ने आपको क्या कहा? वज़ीर दाखिला को हमने लिस्ट प्रोवाइड किया है, हमने कहा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मसले में पेशरफ करें। तो उनका कहना था कि मैं मतलब इसको आगे फॉरवर्ड करूँगा, वज़ीर आज़म को इसको फॉरवर्ड करूँगा, वो इस पर मतलब कोशिश करेगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी कि हम 7 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हक ये है कि आप हमें बुलाए, वज़ीर आज़म हमें बुलाए, हमें सुने, हमें यकीन दहानी कराए, बजाए आपके ज़ुबानी की यकीन दहानी की। आप हमें कह रहे हो कि वो उसने मुझे कहा है कि आप इनसे मुलाकात करो, तो हमने कहा कि अगर वो यहाँ पर है दूसरों के साथ मुलाकात कर सकता है तो लवाइकिंग का यही मौक़िफ़ है कि हम उनसे मुलाकात करें। तो ऑर्गेनाइजेशन का फैसला यही था कि हम प्रेस क्लब जाएंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पाबंद है, जो लवाइकिन जो बूढ़ी माए हमारे साथ आई हुई है ऑर्गेनाइजेशन उनका पाबंद है। हमने उनके साथ बातचीत की तो उनका कहना है कि हम किसी मिनिस्ट्री के पास नहीं जाएंगे, हम किसी दिगर हुकूमती इदारों के पास नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे। अगर वज़ीर आज़म हमसे मुलाकात करता है ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। देखिए अभी तो हम जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम आमना मसूद जंजुआ है और मैं चेयरपर्सन हूँ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। मैडम आप यहाँ पर आई हैं बलोच मिसिंग पर्सन के लिए, यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे खवातीन आई हैं, मर्द आए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर इन लोगों को किन चीज़ों की मुश्किलात हैं, यहाँ पे रात भी गुजारते हैं दिन को भी करते हैं, तो इनकी मुश्किलात के बारे में अगर आप लोगों को बताएं। देखें हम यहाँ पे खुद 2.5 महीना यहाँ पे हम गुजार चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे कितनी खवातीन के साथ बच्चों के साथ कितनी बड़ी मुश्किलात होती हैं। वॉशरूम सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपके पास नहीं है। यहाँ करीब करीब जितने भी होटल हैं या हॉस्पिटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने अपने पता आपको कि वॉशरूम्स बंद कर लिए हैं, धरने वालों को वो नहीं जाने दे रहे, और उसके ऊपर चिट लगा दी है कि हमारा वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर है। तो सबसे बड़ी तो ये बेसिक नेसेसिटी है कि वो वॉशरूम्स की सहूलियत अवेलेबल नहीं है। फिर सख्त सर्दी है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, माएँ हैं, उनको किस तरह से वो इस सर्दी में रात गुजारी खुले आसमान के नीचे। ठीक है कंबल हैं जो इस्लामाबाद के मकीनों ने और हम सब ने मिलकर लाकर दिए हैं, कुछ ना कुछ बिस्तर है, कारपेट है, मगर वो काफ़ी तो नहीं है ना सख्त सर्दी में। फिर खाने पीने की मुश्किलात हैं, हालांकि ये किसी से मदद नहीं ले रहे, ये बहुत गयूर और बहादुर लोग हैं। इन लोगों ने सख्ती के बावजूद किसी ने शिकायत का एक लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाया कि हमें ये मुश्किल है, हम थक गए हैं, हमें सर्दी लगी, कुछ भी नहीं कहा इन लोगों ने। और हिम्मत और बहादुरी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक़ार के साथ बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हैं, कोई किसी की चीज़ को ख़राब नहीं किया, पाकिस्तान की कैपिटल की कोई लाइट नहीं तोड़ी, कोई फूल नहीं तोड़े, कोई यहाँ की घास नहीं तोड़ी। तो ये पुरअमन लोग हैं और ये बहुत बावकार लोग हैं, बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं, इनकी कदर करनी चाहिए, इनका मसला हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इन माओं को इज़्ज़त और एहतराम जो इनका हक है वो इनको दें, इन बच्चों के सर पे हाथ रखें
और सिर्फ बलूचिस्तान के ही लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, बल्कि केपी और पंजाब की फैमिलीज़ भी इनका सहारा बनने के लिए आई हुई हैं, इनके गम में शामिल है, क्योंकि ये खुद उसी मुसीबत से गुजर रही हैं, उसी गम से ये बच्चियाँ गुजर रही हैं। तो ये सब हम एक यूनिटी का पैगाम दे रहे हैं, यहाँ पर तकलीफ़ है मगर उसकी कोई परवाह नहीं है। मैडम ये बताएं, आपने यहाँ पे ख़वातीन से भी बात की होंगी, तो ये बलूचिस्तान से आए हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हैं, किन मुश्किलात से आए हैं, इनके पास ज़ाहिर बात है गरीब लोग होंगे, तो किन किन मुश्किलात को अबूर करते हुए यहाँ पर इस्लामाबाद आए हैं, और इन्होंने क्या ये भी बताया कि बलूचिस्तान में वहाँ पर जो हुकूमत थी उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, वो इसमें बेबस है, क्या कहते हैं? जी हाँ, इनके बहुत ज़्यादा कैंप लगे हुए हैं, इनके क्वेटा प्रेस क्लब के सामने कैंप लगा रहता है, 12 महीने वहाँ कैंप लगा रहता है, कराची प्रेस क्लब के सामने कैंप लगा रहता है, और बहुत मेहनत और प्लानिंग के बाद ये इस्लामाबाद आए। देखिए, आसान नहीं होता सफ़र करना, आजकल बहुत महंगा है, और इस कस्म पुरसी के हालत में, जबकि इनके कमाने वाले भी लापता हैं, किस तरह से इन्होंने जोड़ जोड़ के कर्ज़े लेकर यहाँ का किराया पूरा किया होगा, और अब यहाँ पर आकर ये लोग बैठे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं खामोशी से, सब्र के साथ। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी कुर्बानी है जो इन लोगों ने दी है। बहुत शुक्रिया मैडम, मेहरबानी। यहाँ पे नाज़रीन एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये बलूचिस्तान से आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? सर खुर्रम कमाल। आप पहले ये बताएं आप क्या काम करते हैं? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये एक चार्ट पकड़ा है जिस पे शबीर बलोच, एहसान और हसबुल्ला मेहरगुल, इसमें आपके रिश्तेदार कौन हैं और आप किस पर्पस के लिए आए हैं? क्या आपको वहाँ पे जो बलूचिस्तान में लोग थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं मिला कि आप इस्लामाबाद डी चौक आए हैं? सर यह जो मेहरगुल मरी लिखे हुए हैं, ये मेरे मामू हैं, 18 स्केल के एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, 14 सितंबर 2015 को उनको रात के 2 बजे घर से उठा के ले गए थे आपके हुकूमती इदारे सर। तो हम लोगों ने रैलीज़ निकाले, हम 8-9 साल से 12 साल से इसी जबरी गुमशुदगी के जो है ना शिकार हैं, हमारे जो है ना अपने प्यारे उठाए जाते हैं, हम उनके लिए जो है ना आवाज़ उठाते हैं, रैली उठाते हैं। क्वेटा में हम लोग ये सरापा एहतजाजों में 4,000-5,000 दिन से बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन का कैंप लगा हुआ है प्रेस क्लब के सामने से सर। हम लोगों ने क्वेटा में रैलीज़ निकाले हैं, हम लोगों ने जो है ना आपके स्ट्राइक्स किए हैं, हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ निकाले हैं, हम लोग बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, उनसे अपील की है, कराची गए हैं, लॉन्ग मार्च बलूचुनी की हैं इस्लामाबाद तक, और जो है ना अभी मजबूरन हम लोग कैपिटल हब में आए हुए हैं ये सदा लेकर, ये फरियाद लेकर के हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। बाजियाब नहीं करते हैं, अगर उनका कोई कसूर है, अगर उनकी कोई गलती है, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, उनको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको जो है ना सज़ा दी जाए, उनको उस चीज़ से हमें कोई दरेग नहीं, लेकिन जबरी गुमशुदगी करना, उनको इस तरह से छुपाए रखना, उनको गायब रखना, ये जो है ना कहीं का कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, ये जो है ना आइन की पासदारी भी नहीं है, ये जो है ना मुल्क के आपके जो है ना आइन के ख़िलाफ़ है। अच्छा, आपने कहा ये मेहरगुल मरी साहब जो हैं ये ऑफिसर थे, 18 ग्रेड का आपने बताया, तो ये फिर मतलब ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे या रिटायर हो चुके थे जब उनको उठा लिया गया? सर ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे जो है ना, ये अपने इनका ऑफिस होता था डेरा भुगटी बलूचिस्तान में, और ये जो है ना उस टाइम ऑफिस इनका जो है ना कोई छुट्टी वगैरह थी, क्वेटा घर आए हुए थे, तो रात को ऐसे 2 बजे के टाइम कोई 10 गाड़ियों में 40 बंदे आए और उनको जो है ना उठा के ले गए। मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे चाचा मेजर भी हैं पाकिस्तान आर्मी में और जो है ना एयरफोर्स वाले भी, तो उन्होंने जो है ना खड़े थे मेरे चाचा, उन्होंने कहा सर ये तो मेरे अंकल हैं और जो है ना इनका कोई, उन्होंने कहा नहीं प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोई इशू नहीं, एक हफ़्ता इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे ही। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन वो एक हफ़्ता 6 सालों में कन्वर्ट हो चुका है, ना कोई जो है ना हमें उनके ज़िंदा या मुर्दा होने की खबर है, ना हमें ये पता है कि कहाँ पर हैं, आया किस हालत में है, आया वो कैसे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा लेकर आए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, और आप क्या तवक्कात रखते हैं ये हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, इमरान खान साहब की? पीटीआई इमरान खान साहब से हमारे तवक्कात ये, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीटों में, अपने इलेक्शन के वक्त में, अपने जो है ना टाइम में ये वादे किए थे कि हम जो है ना पाकिस्तान के मसले करेंगे, मिसिंग पर्सन का वादा उन्होंने खुद किया था कि कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर ट्वीट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस किए हैं। हम मौजूदा हुकूमत से, आला हुकाम
سے بڑے اداروں سے یہی اپیل ہے ہماری کہ ہمارے اپنوں کو بازیاب کیا جائے، ان کو منظر عام پر لے آیا جائے، ان کی غلطی ہمیں بتائی جائے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اگر وہ مجرم نکلتے ہیں ان کو آپ بھی چوراہے پہ پھانسی دے دیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح غائب رکھنا، ایک شخص کو لاپتہ کرنا، ایک پورے خاندان کو لاپتہ کرنا ہے، ذہنی ٹارچر ہے، مینٹل ٹراما ایک طرح سے جو ہے نا، اس سے ہمیں بچایا جائے۔ پی ایم عمران خان صاحب، اعلیٰ حکام، ہمیں مینٹل ٹراما سے نکالیں۔ ہمارے میرے نانی، میرے ماموں کی امی، میری نانی، ان کو بغیر دیکھے 5 سال ان کے انتظار میں بغیر دیکھے آخر اس دنیا سے رحلت فرما گئی، رخصت ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک پورے خاندان کو ہم لوگوں نے جو ہے نا اذیت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، نہ کہ ایک شخص کو غائب کیا ہوا ہے، بلکہ خوشیاں غائب کی، ایک خاندان کی، ایک بچوں کی مستقبل غائب کی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگی ہم لوگوں نے غائب کی، لاپتہ کی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ برسر اقتدار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو آئین کے اندر ان کے حقوق ہیں، وہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اگر ان کے پیاروں نے کوئی غلطی، کوئی جرم کیا ہے، تو اس کے مطابق ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے پیاروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو ہم اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ Thank you.